All right, good evening friends. So welcome you all to CSE Edge and Socratic Debates channel on Telegram. So in this session, this is lecture number 4 of mapping session. So in this series, we are doing mapping related to Indian geography and world geography. We have finished 3 different parts of this. If you guys are interested, you can go and check it on your YouTube channel. तो ठीक है, आज हम लोग अभी सेशन में हम ऑस्ट्रेलिया करेंगे, पूरा ओशियनिया एंड ऑस्ट्रेलिया. चलो ठीक है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि सब लोग अपना अपना जो एटलास है उसमें, जैसे ऑक्सफोर्ड का अगर आप यूज कर रहे हो तो पेज नंबर 98 पे दिया हुआ है. साइड बाय साइड आप भी मार्किंग करते रहिएगा सब लोग. कौन से सिक्वेंस में चलना है बताओ, कहाँ स्टार्ट करना. एटलास में 96 पे. ठीक है सर, पहले अपन पॉलिटिकल कर ले कि फिजिकल कर ले. पहले पहले पॉलिटिकल निकाल ले यार. ठीक है, थोड़ा स्क्रॉल कर लीजिए फिजिकल सर नीचे. हाँ, नहीं नहीं नीचे है, नीचे है. पॉलिटिकल है क्या? ओके नहीं, फिजिकल है सर. ओके पॉलिटिकल आ रहा है. अरे फिजिकल में ना ऐसे कलरफुल लगता है थोड़ा सा, ग्रीन वगैरह ऐसे. चलो फिजिकल में भी वैसे पॉलिटिकल होता ही है कुछ ना कुछ. तो कहाँ से स्टार्ट करना है इसमें बताओ जरा. ये ना इसको डिवाइड किया हुआ ऑस्ट्रेलिया को ना, जैसे अपने एडमिनिस्ट्रेट के हिसाब से, जैसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, अब वेस्ट की तरफ देखेंगे तो उसको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं. उसका मेन ऑस्ट्रेलिया की शहर, कंट्री देखेंगे क्या? हाँ एक बार नीचे कर ओके लीजिए थोड़ा. ओके हाँ ये वेस्टर्न वाला पार्ट है ना, इसको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं. उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिवली डिवाइड कर रखा है ऐसा. यहाँ पे नीचे है पर्थ, है मेन शहर यहाँ का. नीचे आओगे थोड़ा सा एक्सट्रीम वेस्ट में देखो. हाँ ठीक है. हाँ ये मेन शहर है यहाँ का, बाकी फिर छोटे मोटे यहाँ पे रहते हैं. फिर ऊपर आओ, नदर्न ऑस्ट्रेलिया है, नदर्न टेरिटरी नाम से. देखो ये ब्लू, ये ग्रीन कलर. हाँ तो इन्होंने पूरे ऑस्ट्रेलिया में से डिवाइड कर रखा है. फिर नीचे सदर्न ऑस्ट्रेलिया अपना. हाँ साउथ ऑस्ट्रेलिया एडिलाइड. हाँ इसका मेन शहर एडिलेड है. ठीक है, फिर उधर क्वींसलैंड वगैरह हो जाएगा ना उधर अपना. इसका मेन क्वींसलैंड. शहर ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन होगा इधर ईस्ट में. देखो कहाँ गया? सनशाइन कोस्ट के नीचे, सनशाइन कोस्ट के नीचे, फ्रेजर गोल्ड कोस्ट आइलैंड है के नीचे दिख ब्रिस्बेन. रहा है. ब्रिस्बेन ब्रिस्बेन ब्रिस्बेन. तो ये क्वींसलैंड में है. क्वींसलैंड में ब्रिस्बेन है इसका मेन शहर. फिर नीचे न्यू साउथ वेल्स सिडनी है, वहां पे अपना कैनबेरा भी है. कैनबरा कैपिटल है इसका ऑस्ट्रेलिया का. सिडनी और कैनबरा दो मेन शहर है यहाँ के. फिर एक चीज ध्यान नीचे रखना है कि वो जो कैनबरा जो है ये कोस्टल एरिया के पास में नहीं है. मेनली जो ऑस्ट्रेलिया की जो इंटीरियर सारी है. सिटीज है, हाँ इंटीरियर है थोड़ा, ये थोड़ा ध्यान रखना. फिर नीचे विक्टोरिया अपना है, ये जो बच गया ना, ये मेलबोर्न, ये भी पंद्रह अंदर है, मेलबर्न मेन शहर है यहाँ का. और ये भी फिर अंदर है. विक्टोरिया और तस्मेनिया के बीच में बास स्ट्रेट है. यहाँ पे नीचे जो तस्मेनिया है ना, यहाँ पे बास स्ट्रेट दिख रहा होगा, बी एडब्ल्यू एस. यहाँ पे ना मुझे कुछ चीजें बोलता हूँ मैं, जहाँ जो चीज मुझे याद है कि ये डेजर्ट एरिया है. डेजर्ट एरिया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, तो दे कॉल देमसेल्स पर्थ स्कॉर्चर्स टीम है यूजुअली, याद रख सकते हो उस तरह से. विक्टोरिया में ना विक्टोरिया बुश रेंजर्स बोलते हैं खुद को वो लोग, तो यहाँ पे वाइल्ड फायर्स आते हैं. सो वाइल्ड फायर्स आने का जगह विक्टोरिया में है, और डेजर्ट तो ये अलग वाला, जगह. यहाँ पे विक्टोरिया डिजर्ट नहीं है, ये वाला विक्टोरिया नहीं नहीं है नहीं ना. नहीं विक्टोरिया, हाँ वो अलग है, मगर विक्टोरिया में वाइल्ड फायर्स आते हैं, इसीलिए उनको बुश रेंजर्स बोलते हैं खुद को, मतलब पीपल, लोकल पीपल देमसेल्व्स कॉल एज बुश रेंजर्स. ओके सर, ओके. सो वही जो कोला मर गए सारे चीजें यहाँ पे आया है, मगर डेजर्ट तो यहाँ पे है. तो बाकी कंटिन्यू कीजिए. एक और ऊपर है, टोरेस स्ट्रेट है अपना. ऊपर देखोगे ना आप, ये क्वींसलैंड के ऊपर है. और टास्मेनिया हाँ ऊपर ऊपर पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक स्टेट है, टोरेस स्टेट नाम है उसका. देखो ऊपर करो थोड़ा. का, हाँ थोड़ा और ऊपर. हाँ ये वाला, यहाँ देखो पापुआ न्यू गिनी है और इसको हाँ यहाँ पे ये स्टेट है, टोरेस स्टेट है ये. और इधर अपने ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के पास ही कोरल है, ये कोरल सी दिख रहा है आपको बड़ा सा. सर एक चीज, एक बार ना अपन जो इसके चारों तरफ जो वाटर बॉडीज है ना, एक बार कर लेते हैं. ठीक है, हाँ करो विल करो. स्टार्ट फ्रॉम टोरस स्टेट. टोरस स्टेट दिख रहा है सबको ना, ऊपर की तरफ है, पीक पे है वो. उसके राइट साइड में कोरल सी, सर ने बता दिया अभी, है ना, कोरल सी. उसके नीचे ग्रेट बैरियर रीफ है, आई थिंक ये वर्ल्ड लार्जेस्ट बैरियर है ना.
हाँ लॉन्गेस्ट भी, ठीक है। फिर उसके नीचे जो क्या है, नीचे एक फ्रेजर आइलैंड दिख रहा है कोने पे, एक फ्रेजर आई करके लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे इस तरफ ऑब्वियसली जो साउथ पैसिफिक है, क्या क्या ये है, ये गोल्ड मतलब कोस्ट यहाँ पैसिफिक पे भी ओशन। एक है। देखो हाँ ये अफ्रीका में एक गोल्ड कोस्ट है, यहाँ पे भी एक गोल्ड कोस्ट है। हाँ अफ्रीका वाले का सीक्वेंस क्या था वैसे, फिर से बताइए कोई तो, लेफ्ट टू राइट। गिग्स गिग्स ओके ग्रेन, गिग्स, आइवरी, गोल्ड और स्लेव। वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, अपन देख रहे थे आइलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ क्या क्या है। वी सॉ टोरेस स्ट्रेट, टास्मैन सी कोरल है। सी, ग्रेट बैरियर रीफ, देन वी सॉ हियर तास्मान सी, सर ने बताया अभी। नीचे है ऑस्ट्रेलिया के नीचे, न्यूजीलैंड के बीच में है ना, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच में तास्मान सी है। न्यूजीलैंड का बाद में देखते हैं, पहले एक बार ऑस्ट्रेलिया की तरफ चारों तरफ नजर घुमाते हैं। फिर बास स्ट्रेट है एक, बास वी कैन सी बास स्ट्रेट। देन वी हैव गल्फ ऑफ स्पेंसर दिख रहा है मेरे को, एक गल्फ ऑफ स्पेंसर है। देन ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, मैंने डिफरेंस क्या बताया था बाइट में एंड गल्फ में, ज्यादा स्टीप होता है वो, ये कम होता है, कुछ कर्व्ड, हाँ बोले करेक्ट, दोनों एक कर्व्ड कर्व्ड कोस्ट होता भी कर्व्ड है, है। उसकी स्टीपनेस के हिसाब से ज्यादा कौन सा है कम कौन सा है। एंड बाइट ज्यादा ज्यादा बड़ा होता है, गल्फ नैरो होता है नॉर्मली, जैसे सर ने बताया अभी। ठीक है आगे चलते हैं। नीचे नीचे सदर्न ओशन दिख रहा है, एक सदर्न ओशन है ना, यहाँ पे कोई करंट है क्या सदर्न ओशन में? पता नहीं, वेस्ट विंड वो ड्रिफ्ट समुंदर करके है ना है वहां पे, प्रशांत। करेक्ट, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है यहाँ पे। अच्छा हमने पर्थ ओके देखा, यहाँ पे लेफ्ट साइड में पर्थ देख रहे थे, पर्थ के लेफ्ट में एक दो करंट है, कौन से हैं? वो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट की एक जाती है रेव, उसको बोलते हैं वेस्ट ऑस्ट्रेलियन वेस्ट डर्ट। ऑस्ट्रेलियन करंट, करेक्ट। तो वार्म वेस्ट वाला ऑस्ट्रेलियन कूल करंट, कोल्ड है सर, cool होना कोल्ड है चाहिए, सर ये, डेजर्ट है तो कूल हो कोल्ड है। गया। डेजर्ट है, कोल्ड है, ठीक है। ये एंटार्क्टिका पर के एक और पास में चीज है है ना, इसलिए कूल है। और एक और लॉजिक है ना कि हर कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में कोल्ड करंट होते हैं। इसीलिए थोड़े जरा ठीक है यस चलो ऊपर थोड़ा सा, और क्या है अभी इधर, एक इंडियन ओशन लगता है टाइमर ऑस्ट्रेलिया के साइड में, ठीक टाइमर है, सी। इंडियन ओशन, टाइमोर सी है, टाइमोर सी, टीमोर सी, ठीक है। उसके ऊपर गल्फ ऑफ एरोफोरस जोसेफ दिख रहा है एक, बोना पार्टे, पापुआ न्यू सर गिनी के बताइए। नीचे, एरोफोरस सी पापुआ न्यू गिनी के नीचे, देखो गल्फ ऑफ हाँ, कार्पेंटीना, कारपेंटियर, इसके ऊपर देखो इधर आराफुरा सी, एक, हाँ सी है यहाँ पे, इधर ठीक है यार। एक बार ना मैं क्विकली फिर से करा देता हूँ एक बार सारे के सारे, ठीक है। विल स्टार्ट फ्रॉम टिमोर सी, टिमोर के राइट में आराफुरा है, उसके नीचे कार्पेंटेरिया है, टोरेस स्ट्रेट है, कोरल सी है, ग्रेट बैरियर रीफ है, गोल्ड कोस्ट है, फ्रेजर आइलैंड दिखा था, सिडनी, तास्मान सी, फिर इसमें पैसिफिक ओशन आता है, तास्मान सी न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, बास स्ट्रेट है जो तास्मानिया के एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, गल्फ ऑफ स्पेंसर, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, सदर्न ओशियन, पर्थ सिटी आती है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट देखा अपन ने, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट देखा अपन ने, टिमोर सी। ठीक है सर अब बताओ आगे क्या करना है। ऊपर ये आइलैंड है ना पापा न्यू गिनी माइक्रोनेशिया, हाँ माइक्रोनेशिया करेंगे, देख लो, देख लो। पापा न्यू गिनी। ओके अब पापा न्यू गिनी में एक जगह था जहां प्लेबिसाइड करते हुए अलग होने की इच्छा जाहिर किया था, कौन सा है वो? बोल बास बोगनविल है, बोगनविले, बोगनविल है। बोगनविले, वेरी गुड, वेरी पता नहीं गुड पॉइंट कब सुशील सर। यार ये मतलब न्यू देखो सब आयरलैंड लोग, है। एक सेकंड यार, सबको पता है यूपीएससी स्टैटिक क्वेश्चन नहीं पूछता है, करंट अफेयर्स पूछता है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जब भी हम स्टैटिक कर रहे हैं ना, आपको जब भी लग रहा है कि यार ये न्यूज में था कुछ भी आ सकता है, तो आप लोग बताइए खुद रोक के, ठीक है, सभी के लिए प्लीज कॉन्ट्रीब्यूट। चलो सर आगे कंटिन्यू करते हैं। न्यू आयरलैंड, न्यू ब्रिटेन किस देश का कंट्रोल में है? जिस तरह से बोल रहे थे ना ऑफशोर्स ऑफ फ्रांस वगैरह बोल रहे थे ना, ये न्यू आयरलैंड, न्यू ब्रिटेन, ये जो किधर 20 मार्क होगा, सी के आसपास है। किधर है ये, यूके में होगा, यूके में होगा, बिस्मार्क सी के नीचे है, सोलोमन सी के ऊपर है, अच्छा हाँ पपुआ हाँ निगिनिया के राइट साइड में दिख रहा है, एडमायरेलिटी एडमिरल्टी, आइलैंड के नीचे है, माइक्रोनेशिया के नीचे है, हाँ दिख पलाऊ के जाएगा। नीचे दिख रहा है, उधर बोगन, उधर पे बोगनविले भी दिख रहा है, दिख रहा क्या क्या? मार्शल्स किरबाती भी है इधर,
बड़ा उस प्रभाव होगा। एक गल्फ ऑफ पपुआ भी है। हाँ बताइए सर, आप बोल दीजिए। न्यू आयरलैंड तो पापुआ न्यू गिनिया का ही है, आप बता दीजिएगा न्यू ब्रिटेन किसका है? वो ऑस्ट्रेलिया का है ना? यही न्यू आयरलैंड के बाजू में न्यू ब्रिटेन बता रहा है ना, वो न्यू ब्रिटेन किसका टेरिटरी है? पपुआ न्यू गिनिया ही होगा। उसका ही है। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है ओके सर, ओके थैंक यू। चलो फिर नीचे राइट साइड में देखो, माइक्रोनेशिया के राइट साइड में मार्शल आइलैंड दिख रहा है, कॉर्नर में, सबसे कॉर्नर में मार्शल आइलैंड, उसके नीचे नीचे किरीबाती है। ओके। एक किरीबाटी के बारे में जब भी हम अफ्रीका का डिस्कस कर रहे तो एक चीज बताया था, किरीबाटी क्या है स्पेशलिटी? इक्वेटर इक्वेटर वहां इंटरनेशनल डेट लाइन मिलता है ना? डेड लाइन मिलता है, ये जो दिख अच्छा रहा है ना, दिस इज इंटरनेशनल डेड लाइन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो स्टेप वही स्टेप स्टेप दिख रहा है। नीचे फिर एक ये पॉपुलर है जी, जो फिल्म में देखते थे हम लोग, आता था ना कभी कभी, फिजी वाला कंट्री नीचे है, ये आइलैंड है सर। फिजी, फिजी यहाँ सर पे उसके ऊपर वो टुवालू टुवालु, उसके ऊपर टुवालु भी है ना, छोड़ दिया आपने सर, इतने में भाई। भी। अरे ये सब एटलीस्ट नाम पता होना चाहिए कि ये नॉर्थ पैसिफिक में है, ये साउथ पैसिफिक में ऐसा। ओके अब न्यू कैलेडोनिया के बारे में बताइए, किस देश का भाग है, मतलब हु हैज सिट्स कंट्रोल ओवर इट? न्यूजीलैंड? श्योर? नहीं, मैप में न्यूजीलैंड का कलर और न्यू कैलेडोनिया कलर सेम दिखाना, मुझे लग रहा है उसी का। इट्स फ्रेंच टेरिटरी। मैंने हाँ ये इसलिए पहले नहीं पूछा, पहला आपको एहसास दिलाया कि उसका बाजू कौन सा कंट्री है वही रहेगा, इसलिए न्यू ब्रिटेन न्यू आयरलैंड बोल के ये पूछा था। ओके सर, थैंक यू। एक बार यहाँ मैं पे फिर से पीप रिपीट कर लो, ये लेबिसेटी। छोटे छोटे आइलैंड्स, शुड आई रिपीट एक बार देखो आइलैंड्स ये छोटे वाले? ये जो बोगनविल में जब भी प्लेबिसाइट हुआ था उसी दिन कैलेडोनिया में भी हुआ था, ये लोग वी वॉन्ट टू सेपरेट बोले, ये लोग बोले वी वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ फ्रांस, ओके दोनों का हुआ था एक ही दिन। ठीक है। बिकॉज यहाँ पे सक्सेसफुल्ली सेपरेट होने का प्लेबिसाइट पास हुआ था, वो न्यूज में है, ये न्यूज में कम है। तो ये है। ठीक है, एक बार और बस फिर से आइलैंड, एक बार बस उसमें जो भी पढ़ा ना अपन ने, उसको ओके क्विकली ओके पढ़ लेता हूँ। हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे एंड फिर नॉर्थ टू साउथ आएंगे, ठीक है? सबसे लेफ्ट में दिख रहा है ओके पालाऊ है, उसके नीचे आराफुरा सी है, पपुआ न्यू गिनी दिख रहा है, बिस्मार्क सी, सोलोमन सी, बोगनविले आइलैंड, उनके ऊपर है माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया के राइट साइड में है मार्शल आइलैंड, उसके नीचे किरीबाती, किरीबाती के नीचे नाउरू दिख रहा है एक, तुवालु, सोलोमन, वनाटू, फिजी एंड न्यू कैलिडोनिया, एंड इन सब के बीच में यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ एंड कोरल सी आता है। फिर नीचे किंगस्टन दिख रहा है एंड न्यूजीलैंड का देखते हैं पार्ट अभी। थोड़ा सा न्यूजीलैंड पे जूम करिए, उधर देख लीजिए एक बार। ओके न्यूजीलैंड को गुड जूम करता हूँ। ठीक है सर, वेलिंगटन इसमें क्या देखो बोले? कौन सा? न्यूजीलैंड का दो हाँ पार्ट वेलिंगटन, का सेपरेट करने वाला कुक स्ट्रेट कुक स्ट्रेट है इधर, है। ठीक है कुक और स्ट्रेट क्या? का जो यहाँ कोस्टल सिटी वेलिंगटन है। ओकलैंड क्राइस्ट है चर्च जो फर्स्ट ईयर किस की चीज के होगी, लिए फेमस है? क्राइस्ट चर्च अटैक हुआ था ना, अटैक डिक्लेरेशन हुआ हुआ था। था और अटैक के बाद में एक डिक्लेरेशन हाँ क्या था वो? आया, क्राइस्ट चर्च सोशल डिक्लेरेशन, मीडिया में हेट नहीं फैलाना चाहिए ऐसा कुछ है, ओके। ये फेसबुक वगैरह में सेंसिटाइजेशन और है। डीरेडिकलाइजेशन, सेंसिटाइजेशन और डीरेडिकलाइजेशन, उसके दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड। ये डेनुडिन भी याद रख लो, यहाँ पे भी क्रिकेट होता है तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज है, इम्पोर्टेंट सिटी है। नेपियर कौन एक सा? और है, आई थिंक नेपाल? नेपियर में ही इंडिया का अमूल ने वहां दूध बेचना शुरू किया, मतलब वहां कर वही खरीदते वही करते। ऑकलैंड भी आई थिंक विंटर कैपिटल वैसा कुछ होगा ऑकलैंड।
और कौन सा कुछ पता है क्या? ये और ये बाकी तो इसको छोटा ओशिनिया छोटा। बोलते हैं पूरा, मतलब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और पूरे ये आइलैंड मिला के ऑस्ट्रेलिया, और दूसरा नाम है इसका ऑस्ट्रेलेशिया, ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड प्लस स्मॉल आइलैंड नोन एज ऑस्ट्रेलेशिया। अरे मुझे रिसेंट टाइम्स में एक चीज, एक चीज, रिसेंट टाइम्स में एक जीलैंडिया करके कुछ तो मिला था, वाटर कॉन्टिनेंट, हाँ यही पे किसी को याद है क्या होगा, था वो? याद है याद है, 2 साल पहले कुछ करंट अफेयर्स में था, 19 में। बताओ वैसा क्या है वो? यही पे एक आइलैंड का जैसा मिला है, बोल रहे कि दैट वाज सबमर्ज डार्लियर कुछ ऐसा, यहाँ पे सोच लो। कौन, सो न्यूजीलैंड के दैट बाद? न्यूजीलैंड के बाजू कुछ आइलैंड के जैसा आया था, सबमर्ज हुआ होगा सदियों पहले, और अब निकल रहा है कुछ ऐसा एविडेंस है, सी फ्लोर बोल रहे थे। इसका वो देख ले सर, फिजिकल देख लेते हैं। हाँ देख लेते हैं, बस एक रिक्वेस्ट है सभी को ना, जब भी ऐसा कोई न्यू टर्म या कुछ भी आता है ना, तो जो भी अभी सुन रहे हैं सब लोग अपने अपने फोन में गूगल सर्च करके, क्रोम वगैरह ओपन करके ना, उसमें कीवर्ड डाल के यूपीएससी सर्च करो, कुछ ना कुछ तो आर्टिकल आएगा, उसको थोड़ा बहुत स्कैन कर लो एंड गिव योर इनपुट्स हियर, बताओ यार क्या है वो, है ना? और चलो सोलोमन फिर से। हाँ आइलैंड वो तो कवर कर दिए ना, सोलोमन आइलैंड्स वगैरह। वो तो देख लिया अपन ने ना, ओके बाकी कुछ है तो उसमें बता दो अलग से यार। नॉर्मली है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। देखो चीज क्या है ना, ये मॉन्टेवीडियो कन्वेंशन जो है उसके तहत डेफिनेशन दिया गया है कंट्री कैसा होना चाहिए वगैरह। तो ऑस्ट्रेलिया का अंदर ही एक कंट्री है, प्रिंसिपालिटी ऑफ हट रिवर कुछ है, दैट इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। लोग बोलते हैं वेटिकन सिटी, मगर उससे भी छोटा एक है, वहां पे सिर्फ एक ही फैमिली रहता है। उसको ना ऑस्ट्रेलिया को टैक्स पे करने को मंजूर नहीं था, तो अपना खुद का एक कंट्री बना लिया, प्रिंसिपालिटी ऑफ हट रिवर नाम का। तो उसके बारे में आई थिंक 4 इयर्स पहले कुछ 2018 में वैसा कुछ न्यूज में था। क्यों? ब्रिटेन वाले, देखो ऑस्ट्रेलिया इज नॉट ए रिपब्लिक, तो इसका हेड तो क्वीन विक्टोरिया ही है, तो क्वीन विक्टोरिया खुद बोले, क्वीन विक्टोरिया नहीं कौन है, एलिजाबेथ है, खुद एलिजाबेथ ने बोल रही थी कि आई एम रिकॉग्नाइजिंग दैट कंट्री, वो ये था, तो वो ठीक कॉन्ट्रोवर्सी है आया सर, था। ठीक है सर, सर आगे चलते हैं, अभी फिजिकल आगे चलते बोल हैं, रहे ना, फिजिकल दिन ऊपर आई होगा थिंक ना। ऊपर है, हाँ थोड़ा ऊपर है। इसको ना मैं लिखा हुआ, मैंने नोट्स बनाए तो उसमें मैंने लिखा हुआ है 3 फिजिकल डिवीजन ऑस्ट्रेलिया के अपने। पहला है इसका वेस्टर्न प्लेटू, जो कि 2/3 ऑफ कॉन्टिनेंट को कवर करेगा, उसमें डेजर्ट सेमी डेजर्ट सब आ जाएंगे। तो वेस्टर्न साइड से चालू कर लेते हैं अपना ये वाला इलाका। इसमें देखो, इसको बोलते हैं हम वेस्टर्न प्लेटू। सबसे इसमें ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, यहाँ पे सिम्पसन डेजर्ट है, स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट है, गिब्सन डेजर्ट है, और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। तो ये 5 और 6 डेजर्ट इसके लिए काफी फेमस है। यहाँ पे 2/3 सर इलाका आ थोड़ा जाएगा थोड़ा पूरा। थोड़ा स्लोली और सीक्वेंस बताना। ओके हाँ, देखिए 3 फिजिकल डिवीजन है ऑस्ट्रेलिया के। पहला है वेस्टर्न प्लेटू वाला, जो वेस्टर्न साइड में हम लोग देखेंगे। ये वेस्टर्न प्लेटू है, 2/3 ऑफ कॉन्टिनेंट को कवर करता है अपना ऑस्ट्रेलिया का है जो, और उसमें बहुत सारे डेजर्ट आएंगे। सबसे पहले ऊपर देखो ग्रेट सैंडी डेजर्ट दिख रहा है? गया वो हैमर्सले रेंज के ऊपर है। हाँ उसके ऊपर है। हाँ उसके नीचे है फिर हाँ गिस्पन डेजर्ट, GISBAN, नीचे देखो थोड़ा। और दोनों के बीच में लेक डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है मेरे को, हाँ डिसअपॉइंट हो गया मैं देख के यार। ठीक है फिर उसके नीचे सबसे फेमस है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, जो ऑस्ट्रेलिया का बहुत देखो फेमस है। ठीक है सर, तो ऊपर है ग्रेट सैंडी, फिर गिब्सन, फिर ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, ये तीन सीक्वेंस में ऊपर से नीचे, एंड इनके बीच में से क्या क्या पास हो रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जा रहा है।
एंड वन मोर पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कि लेक डिसअपॉइंटमेंट जो है ना उसी के अंदर से पास हो रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है सर, सिम्पसन डिजर्ट हो आप गया क्या, सिम्पसन वाला? वो थोड़ा उसमें मैम, थोड़ा सा वेस्टर्न ईस्टर्न साइड में ना, थोड़ा सा वो जो बताइए प्लेटू है ना बताइए, ऊपर ऊपर है से तारा नहीं दिख किम्बर, रहा है। किम्बरले प्लेटू दिख रहा है ऊपर, थोड़ा ऊपर आओ नॉर्थ में। हाँ ओके, ऊपर ये किम्बरले प्लेटू है, फिर ये अपना तानामी डेजर्ट दिख रहा होगा सर आपको, जी, और लेक उड्स नीचे के नीचे दिख रहा है हाँ वो। वही है वो। हाँ, फिर थोड़ा नीचे आइए, सिम्पसन डेजर्ट है अपना, ठीक है, हाँ राइट साइड में दिख रहा है वो। फिर उसके नीचे है स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट। हाँ स्टुअर्ट स्टोनी हाँ डेजर्ट। तो ये मेन 6-7 डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया तो 6 डेजर्ट देखे ना अपन के। ने, मतलब कुल मिला के 6 डेजर्ट हो गए ना, सैंडी उसके नीचे, हाँ गिब्सन नीचे, विक्टोरिया फिर तानामी नीचे, सिम्पसन नीचे, स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट। कोई ट्रिक है क्या इसका, एनी एनी ट्रिक या एनीथिंग, न्यूमोनिक वगैरह कुछ? सर, बनाया नहीं मैं कभी, इतना ध्यान से याद नहीं किया, बट नाम याद रखा भाई, ये चीज ऑस्ट्रेलिया में यूपीएससी ने पूछा भी नहीं, भी कभी पूछ सकता है तो फिर वो, कभी ऐसे पूछा नहीं हाँ नॉर्थ मतलब साउथ में। हाँ मुश्किल है, मतलब आई थिंक ओपी मैम ने बताया थोड़ी देर पहले कि जनरली नहीं करते हैं नॉर्थ साउथ, एटलीस्ट मतलब ये इसमें है, ये याद रखने के लिए कुछ है क्या, बट चलो ठीक है सर चलते हैं आगे। ठीक ऐसा है नहीं, मतलब ये याद रह जाएगा, आप अगर देखोगे ना एक दो बार, तो मैं कभी कुछ किया नहीं उधर, क्योंकि याद है रह ठीक जाता है। है। सुशील सर स्क्रीन थोड़ा सा देख लीजिए, स्क्रीन बंद हो गया वही शायद। वही वही मैंने रीशेयर कर रहा हूँ इसीलिए। ओके ओके हाँ अच्छा, अपन एक 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 दो प्लेटू छोड़ दिए, अर्नहेम आइलैंड बहुत फेमस प्लेटू है, अर्नहेम आइलैंड किस लिए फेमस है? अर्नहेम एक कौन सा, आइलैंड लैंड है, सॉरी, अरे ऊपर दिख रहा है ना वो, अर्नहेम लैंड। किसके पास बोल रहे हो आप? ऊपर ऊपर तानामी के ऊपर, कारपेंटिया लेक वुड्स के ऊपर, के बीच में? हाँ गल्फ ऑफ कार्पेंटिना के लेफ्ट में, अराफुरासी के नीचे, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, किस लिए पता नहीं है गल भाई। यार है कुछ तो यहाँ पे फेमस, आई थिंक कॉपर वगैरह कुछ तो बताया था सर ने, मुझे याद आ रहा है कोचिंग में पढ़ा था। अगर वैसा है अच्छा तो एक चीज भी बताना है, ये जो ग्रेगोरी रेंज और माउंट डैरिम्पल है ना, यहाँ से ये जो कॉपर क्रीक आता है ना, इस जगह अपना अदानी साहब जाके कोयला का खुदाई कर रहा है, तो वहां प्रोटेस्ट हो रहे थे इंडिया की ऑस्ट्रेलिया से, जब भी मैच आ रहा है ना 2 साल से वो वही हो रहा है, वो लोग प्लग कार्ड पकड़ के आ रहे हैं। सो क्वींसलैंड की एरिया में वो जगह कहाँ पे है, कॉपर क्रीक आ रहा है, ग्रेगोरी रेंज है और माउंट डैरम्पल, ये तीनों मिलने की जगह, तो पूछ सकते हैं कोल, मतलब ये फैक्ट भी है, कहाँ कोल पे है सर वगैरह ग्रेगोरी कहाँ, रेंज, एक बार कॉर्नर बताना जरा, ट्रायंगल कौन सा, ग्रेगोरी रेंज, कॉपर क्रीक और माउंट डैरिम्पल वहां पे फ्लिंडर्स भी मिलता है यूजुअली देखा जाए तो, ये ओके सर, ओके कोल भी लगभग ईस्टर्न पार्ट पे ही, नॉर्थ ईस्ट के तरफ ही, उसी तरफ ही मिलता है यूजुअली, हर पार्ट में मतलब हर कंट्री में, वहां पे हर कॉन्टिनेंट क्या बोलते हैं उसको, हाँ कोल तो उस लेक है हिसाब ऑस्ट्रेलिया से गेस भी मार सकते हो अभी क्यों क्वींसलैंड में है वो पार्ट बोल आते हैं सर, अपन रिसोर्सेस की तरफ बाद में आते हैं, पहले एक बार और फिजिकल के। फीचर देखते हैं, हाँ माउंटेन्स वगैरह सेकंड जो है भी है ना। अपना सेंट्रल लोलैंड वाला है, सेकंड वाला इलाका ये, फिर ये वाला इलाका आएगा अपना, क्या नाम है, ये जो डेजर्ट वाला इलाका है ना, इसके थोड़ा सा राइट में जहाँ पे ये ग्रेट सिम्पसन आर्ट्स। डेजर्ट के बाद, ओके हाँ सिम्पसन डेजर्ट के थोड़ा सा राइट में जो बीच वाला इलाका है, इसमें ओके एक मरे डार्लिंग रिवर है अपना, मरे डार्लिंग सिस्टम यहीं से निकलता है अपना, ये वाला मेन काम है इधर का, वो तो बाकी सर मैंने नीचे आ कुछ गया ना, तो वो तो नीचे साउथ साउथ ईस्ट में दिख रहा है वो तो। हाँ सर वो पूरा हो जाएगा, तीन फिजिकल है, क्योंकि एक तो वेस्टर्न प्लेटू हो गया, सेंट्रल लोलैंड ये, और ऊपर से नीचे पूरा आया नॉर्थ से साउथ, और फिर तीसरा है ईस्टर्न हाईलैंड, वो सिर्फ ईस्ट वाला इलाका है जो अपना ग्रेट बैरियर रीफ वाला ना वहां से टच करता है बस, बाकी जो सुशील सर ना वो सेंट्रल लोलैंड वाला इलाका है जो इन्होंने अंडरलाइन किया अभी। ओके 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 अच्छा, प्लेट्यूज कहाँ कहाँ पे है इसमें?
प्लेटू ये वेस्टर्न का है ना पूरा, जो वेस्टर्न प्लेटू नाम ही है इनका, इसमें डेजर्ट और अच्छा प्लेटू दोनों। केप यॉर्क पेनिनसुला दिख बात रहा है ऊपर, केप यॉर्क पेनिनसुला। एक माउंटेन देख लो, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये ईस्टर्न हाईलैंड का पार्ट है और मोस्ट ऑफ द रिवर यहीं से निकलती है, क्योंकि हाईलैंड हो गया ना तो यहीं से निकलेंगी मोस्टली, जितनी भी रिवर है ना यहीं से निकलती है। केप यॉर्क ओके okay. पेनिनसुला ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। हाँ हाँ केप यॉर्क दिख गया। एक फेमस लेक है सेंट्रल लोलैंड में, लेक एरी, EYRA दिख रहा है एरी क्या? हाँ दिख गया दिख गया। हाँ लेके रे मैंने इसको देखा, वो फेमस हुआ इसलिए पता नहीं, तैयार नहीं है। अरे वो फेमस रिसोर्सेज के लिए है, देखेंगे शायद वो। नहीं वो नहीं, नीचे जो इसलिए एक, नहीं नहीं वो नहीं, लेक एरिया नहीं बोल रहा हूँ मैं, नीचे एक आयर पेनिनसुला दिख रहा है क्या नीचे, उसी के नीचे देखो, EYRE पेनिनसुला, दैट इज फेमस फॉर रिसोर्सेस। आई डोंट नो एग्जैक्टली कॉपर वगैरह, जो भी देखेंगे अपन। ओके ये बस मनी डार्लिंग वाला ध्यान रखो इसका, ये मरे डार्लिंग निकल इसको देख लो, ब्रिस्बेन वाला इलाका आ जाएगा अपना, ब्रिस्बेन सिटी सब कवर करती है ये। ये बताओ और डार्विन सिटी किधर है? ब्रिस्बेन डार्विन वेरी डार्विन सिटी, डार्विन ऑस्ट्रेलिया में है क्या? साहब ऑस्ट्रेलिया में ही है। कहाँ ऑस्ट्रेलिया में है पे? ना, नॉर्थ वाला, कहाँ? नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया। नॉर्थ वाले में है, जो जहां पे वो था ना अर्नहेम लैंड, हाँ यहाँ पे उसी उसी में है डार्विन सिटी। मतलब और वो यहाँ एक्चुअली डार्विन सिटी को फ्रंट डोर ऑफ ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं ना। करेक्ट, थैंक यू मैम। उसी के नीचे एक विंडहैम भी है, मतलब विंडहैम सिटी है, वो कहाँ पे है? वो जो किम्बरले प्लेट्यू है ना, किम्बरले प्लेट्यू, वहां पे किम्बरली WYNDHAM ये सिटी है। में क्या फेमस, मतलब किस लिए फेमस है ये बताओ तो। अरे यार रिसोर्सेस की है सारे, गोल्ड कॉपर ये सब ना, याद नहीं है एग्जैक्टली कौन सा कहाँ है। ये साउथ अफ्रीका किम्बरली में तो डायमंड है, या पता नहीं क्या है। हाँ किम्बरले तो डायमंड माइंस के लिए फेमस है, यूरेनियम के लिए फेमस है, मैंने नोट ब्लड मेक डायमंड, किया। और यूरेनियम हो गया अपना, और बॉक्साइट, दो चीज मिलती है इधर किम्बरले में, जो अपना नदर ऑस्ट्रेलिया में हम लोग देख रहे हैं ना, यूरेनियम और बॉक्साइट वगैरह मिलता है इधर थोड़ा बहुत, और गोल्ड का भी इलाका है इधर थोड़ा। अच्छा एक चीज यार लेक्स नहीं करे अपन ने, एक बार बताना कौन से इंपॉर्टेंट लेक्स है इसमें। एरिए की है लैकलैंज, कुछ लैकलैंज वही सेल वाला लैकलैंज रहता है ना, उसका रहेगा एक एक लैकलैंज ग्रेगरी लेक कहाँ दिख रहा पे है, लेक वुड्स देखो, लेक वुड्स है तनामी डेजर्ट के ऊपर, तनामी है? कहाँ डेजर्ट के ऊपर है लेक पे? वुड्स, ओके वुड्स, और ओके उसी के ऊपर एक विक्टोरिया रिवर भी दिख रही है मेरे को, विक्टोरिया, ओके ऊपर जा रही है ना वो, गल्फ ऑफ यूएसए ओके बोनापार्ट में जा रही है। और क्या विक्टोरिया दिख रहा तो है? प्रोविंस यहाँ पे है, मगर रिवर यहाँ पे है। और कोई लेक मुझे याद इम्पोर्टेंट? लेकलैंड्स लेक एक इम्पोर्टेंट है। न्यूज़ में था क्या वैसे? हाँ ये सबसे जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें वो एक डार्लिंग रेंज है, उसको नहीं किया क्या किसी ने? हमें मरे कहाँ है ये डार्लिंग, डार्लिंग जो डार्लिंग सबसे रिवर वेस्ट पार्ट किया, है? नहीं, डार्लिंग सबसे वेस्ट रिवर यहाँ पे भी है, एक मिनट। जो है। ये हाँ हाँ ग्रेट विक्टोरिया हाँ डिजर्ट है ना, उसके नीचे ओके okay. उसके नीचे केप, केप लीविन डार्लिंग के, केप लीविन के उधर है, केप लीविन। रेंज। हाँ वहीं पे जो विक्टोरिया रेंज के पास में है। वहां पे एक्चुअली तीन चार रेंज ओके दिख रही है ना, स्टर्लिंग रेंज है, विक्टोरियन रेंज है, हर्शल सब रेंज तो है। इम्पोर्टेंट नहीं है, ये डार्लिंग वाला बस इम्पोर्टेंट है, और ये विक्टोरिया वाला। ठीक है मैम, विक्टोरिया रेंज एंड डार्लिंग रेंज, तो विक्टोरिया रिवर भी दिख गया। केप लीविन याद रख लो यार, केप लीविन कॉर्नर वाला है ना। बाकी कौन से केप है बताना जरा ऑस्ट्रेलिया में? केप यॉर्क देखा था अपने ऊपर, केप यॉर्क, ओके
और कौन से केप है? सबसे साउथ वेस्ट केप, साउथ ईस्ट केप, साउथ वेस्ट साउथ है, साउथ ईस्ट केप, साउथ वेस्ट ईस्ट केप का नाम केप होवे भी है ना, कोप केप होवे, कैनबेरा के नीचे देखो माउंट कॉसिको, कॉसी कॉन्शी की जो भी है, कैसे प्रोनाउंस करते उसको, कॉसियस को, ओके सर कॉस्ट्यूस को, ये आई थिंक सेकंड हाईएस्ट ऐसा कुछ है ना ऑस्ट्रेलिया में, किसी को याद है क्या? नहीं हाईएस्ट ऑस्ट्रेलिया में, सबसे हाईएस्ट हाईएस्ट है, कब बताओगे सर फिर क्या? थैंक यू सर, मैंने नोट्स में लिखा हुआ ऑस्ट्रेलिया का सबसे हाईएस्ट है ये, ओके यहाँ पे ये जो डार्लिंग रेंज है ना वहां पे एक एक लेक है, लेक मुरे, वो इम्पोर्टेंट है। मुर्रे तो यहाँ पे है डार्लिंग के पास, कंगारू के पास भी है। मुरे डार्लिंग कुछ भी ऑस्ट्रेलिया मार दो यार, मेन बात ये है। न्यूजे न्यूजीलैंड में बहुत फेमस है सदर्न आप्स, देखो देखने के बाद न्यूजीलैंड निकालना एक ही वो चीज याद, सदर्न आप्स न्यूजीलैंड में, ये याद रखना ठीक है, नहीं तो हमें लगता है ये यूरोप वगैरह में, लेकिन है न्यूजीलैंड में। कौन सा ये रेंज है? सदर्न आप्स, हाँ सदर्न आप्स न्यूजीलैंड में, और इसमें शायद हाईएस्ट माउंट कुक है क्या? हाँ सॉरी कुक, हाँ कोई भी कुक वुक देखे न्यूजीलैंड मार देना, क्योंकि कुक कुक स्टेट भी है इधर, कुक माउंट भी है, तो ये हाईएस्ट है क्या ये वाला? हाँ ये हाईएस्ट है यहाँ का, हाँ ये मैंने भी पढ़ा था, कुछ तो याद है। अच्छा एक और चीज देखने वाली है कि माउंट कुक कितना है, ये 3754 मीटर है, वेराज ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट 2228 मीटर है, इसका मतलब न्यूजीलैंड ज्यादा हाइट पे है, ऐसा कुछ है क्या? हो सकता है वगैरह, न्यूजीलैंड हो देखो ना, क्योंकि न्यूजीलैंड के बाकी जो है ना, ये क्या बोलते उसको, माउंट राफू देखो 2797 मीटर है, माउंट तारानाकी 2518 मीटर है, माउंट एस्पायरिंग 3033 मीटर है, एंड ऑस्ट्रेलिया का सबसे हाईएस्ट 2228 है, मजाक लग रहा है ना? 200 2000 2000, मतलब वही वही यहाँ पे। और इंडिया का कितना है, इंडिया का हाईएस्ट कितना है? 8000 वही लगभग, अपना तो कंचन के टू वगैरह कुछ यार, मतलब अपना तो वेस्टर्न घाट भी इनसे हाईएस्ट होगा यार। वेस्टर्न घाट कितना हाईएस्ट है, कितना है हाईएस्ट पीक? 26 तो कुछ अन्ना मुड़ी है ना वो, 26 2694 है वो भी छोड़ दो, मुझे लग रहा है महेंद्रगिरी हिल्स वो भी ज्यादा होगा। डोडा बेटा होगा आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वेस्टर्न इसमें अन्ना मुड़ी है क्या? डोडा बेटा नहीं, डोडा बेटा तो सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे अन्ना मुड़ी फर्स्ट है, डोडा बेटा सेकंड हाईएस्ट है। चलो वापस आते अपन, वेस्टर्न घाट बाद में घूमेंगे, पहले एक बार ऑस्ट्रेलिया के ये लोलैंड में एक ही फीचर है मरे डार्लिंग रिवर, ये देख लो कहाँ से क्या निकलती है, ये ऊपर से निकलती है जो हाईलैंड वाला इलाका है ना, ईस्टर्न हाईलैंड, जैसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज होगा अपना, ग्रेट बैरियर रीफ, इस इलाके से निकलेगी, ब्रिस्बेन वाले इलाके से लेके एडिलेड में चलेगी ये। सर लोलैंड में एक और फीचर है ग्रेट आर्टिशियन बेसिन, किसी को पता है क्या होता है ये? हाँ यार ये देखा हूँ मैं इसको, ये कंसेप्चुअल चीज है शायद, ये ऐसा होता है ना कि अंडर वाटर अंडरग्राउंड पानी आता है, ऐसा कुछ है वो? हाँ कुछ ऐसा ही होगा, मतलब ग्राउंड के नीचे पानी घुस जाता है, ऐसा कुछ है वो? किसी को पता तो बता दो, लोलैंड वाले में ये। हाँ देखो मैं पढ़ रहा हूँ, आर्टिशियन बेसिन इज अ लो लाइंग रीजन वेयर ग्राउंड वाटर इज क्रैम्प्ड अंडर प्रेशर फ्रॉम सराउंडिंग लेयर्स ऑफ रॉक, दीज बेसिन आर यूजुअली फाउंड वेयर एन एक्वीफर इज प्रेजेंट इन इनक्लाइन बाय इम्पेनिट्रेबल लेयर्स अबव एज वेल एज बिलो, व्हेनेवर अ फिशर ब्रेक्स द सरफेस अंडरग्राउंड वाटर ब्लोज अप, तो वही मतलब पानी रखा हुआ है ग्राउंड के नीचे बहुत सारा ऐसा। ओके वो तो न्यूजीलैंड में भी होते हैं, नहीं नहीं वो ठीक है भाई, लेकिन ये जो ग्रेट आर्टिशियन बेसिन है ना, मैं विकिपीडिया पढ़ रहा हूँ, इट इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट आर्टिशियन बेसिन इन द वर्ल्ड, स्ट्रेचिंग ओवर अंडरग्राउंड फेस वाटर रिसोर्स है ये, लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट भी बोला है, एंड ये कितना किलोमीटर,
कितना किलोमीटर? भाई बहुत सारा है, 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर को दिखा रहा है, छोड़ो उसको, बाकी ये डिटेल्स तो ना, मतलब ओके बहुत बड़ा एरिया है, बस याद रखो ये चीज, एंड मीनिंग याद रखो क्या होता है वो। मीनिंग याद है उसका, नाम फिर से बता दो। ग्रेट आर्टिशियन? ग्रेट आर्टिशियन बेसिन नीचे दिख रहा है, सेंट्रल सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में, देखो ओके ना जरा ईस्ट साइड में, बकलैंड, बकलैंड टेबल लैंड के लेफ्ट में है, स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट के राइट में है, सिम्पसन डेजर्ट के राइट में है, दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा फिर जो आपने ग्रेगरी रेंज बताया उसके नीचे है, कोपर क्रीक के नीचे है। है। ये उसका बहुत ही शानदार फोटो है उसके, हॉट वाटर बोरवेल। चलो मैं डाल दूंगा ग्रुप में फोटो, आप लोग देख लेना। चलो आगे, हो गया ये गाइस। जी मैम। आज पीवाईक्यू सेशन नहीं है क्या? आई एम जस्ट आस्किंग। कल आया पाए नहीं, हमने डिसकंटिन्यू अरे तो कल मेरी तबीयत खराब थी, मैंने मैसेज किया था। चलो आज तबीयत अच्छी है ना आपकी? करते दिया। अब कर देंगे क्या करते आज? करते 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 1 मिनट जाओ, पहले ऑस्ट्रेलिया वाला खत्म कर दो। मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया हो गया है, कुछ और बचा तो प्लीज ऐड कर दो, लगभग लास्ट 10 मिनट करते हैं। ये दो चार, पांच ये मिनट एजेंट वाला है, मैं बता देता हूँ, मैंने नोट्स में दिखा दो चार पॉइंट। तो हम्म। अपना डेजर्ट का इलाका है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, हमने देख लिया पूरा, ठीक है। फिर वहाँ पे मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट भी पाया जाता है थोड़ा थोड़ा, वो होता है सदर्न ऑस्ट्रेलिया में। सदर्न ऑस्ट्रेलिया में मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट होता है, और यहाँ पे जो टेम्परेट ग्रासलैंड है उनको डाउंस बोलते हैं हम लोग। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी होता है ऑस्ट्रेलिया में, सवाना बोलते हैं उनको, ठीक है। और बस यही है दो चार पॉइंट क्लाइमेट के, दो यार। और वेलिंगटन, न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या है? वेलिंगटन, ऑकलैंड, कुछ ये होता है समर कैपिटल के जैसा कुछ कोई। ऑकलैंड हाँ, और न्यूजीलैंड के एक और इम्पोर्टेंट सिटी है ना, नेपियर करके। हाँ नेपियर चलो मैच वैच मेरे को होता है मिल गया कुछ पूछने के लिए, आप लोग को बताना किधर है, ठीक है? कालगुरली किधर है? कालगुरली एंड ये तो कालहारडी, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया वेरी नहीं है। गुड। किधर है ऑस्ट्रेलिया में? किधर है? वेस्ट ईस्ट साउथ सदर्न, वेस्ट ईस्ट क्या? हाँ वेस्ट 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 साउथ वेस्ट में है। हाँ साउथ वेस्ट में है ना। फिर पिलबारा किधर है? पिलबारा ये नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में, जो अपने डेजर्ट देखे थे ना उसके थोड़ा ऊपर। फिर माउंट ईसा किधर है? माउंट ईसा ये साउथ में इधर है क्या? ईस्टर्न नहीं साइड, ईस्टर्न ईस्टर्न नहीं ऑस्ट्रेलिया। नहीं 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 ये कैसे बताऊं मैं, जो अर्नहेम लैंड है ना और जो केप यॉर्क के है उनके थोड़ा सा नीचे है वो। सर ये एक और है इसको एलिस स्प्रिंग, एक बार वो ओपन कर लीजिए सर, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, जो 97-98 पेज नंबर पे चले जाना। सर, ये सब इम्पोर्टेंट है क्या? मतलब आपने कहीं मार्क किया नहीं हुआ है? ये सब यार एक्चुअली ना बहुत फेमस चीजें हैं फॉर रिसोर्सेस की पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा अच्छा, नीचे स्क्रॉल कर लो, मैं बता दूंगा इमीडिएटली। माउंट ईसा में तो वो है ना गोल्ड माइन, शायद फेमस है कॉपर वो। लिखा है, कॉपर लिखा है, कॉपर है, लेड दिख रहा है। थोड़ा नीचे ले लीजिए, स्क्रॉल कर लीजिए सर, आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है स्क्रीन। स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन, अरे यहाँ नहीं, मतलब 2-3 पेज स्क्रॉल करना है आपको। दिख यहाँ पे भी है ना, उनके पॉलिटिकल रहा है में क्या? दिख रहा। हाँ माउंट ईसा है। ओके नहीं, मतलब एक और पेज है नीचे उसमें रिसोर्सेज का दिया हुआ है, उसको कर लेते ना ओके फटाफट। क्लाइमेट है, उसको हाँ और थोड़ा नीचे, फेवरेट हाँ है, उसको क्या करें अब, ये वाले उसकी देखना, ये वाले मैप देखना, इसमें से रोटेट दिख कर रहा है देता माउंट हूँ। ईसा वगैरह? थोड़ा जूम आउट जूम इन कर लीजिए आप, कुछ तो एडजस्ट कर लीजिए स्क्रीन पे किस तरीके से। ओ कालगुरली
कालगुरली में गोल्ड मिलता है एंड कोल भी है। वैसे इतना सब कुछ याद नहीं रहेगा, बस नाम याद रखो ये यहाँ पे है, इतना तो याद रखो कम से कम। सर मुझे नहीं लगता है इतना पूछेंगे कोई, आज तक तो पूछा नहीं है। अरे दो चार नाम याद रखने यार, पॉलिटिकल मैप में भी तो है ही ना, और रिसोर्सेस का मेंस में अलग से क्वेश्चंस आते हैं यार, यूज सर करने के पर लिए आ सकता है कभी। वो ऐसे नहीं पूछता, ऑस्ट्रेलिया का लिखो आप घुस घुस के, वो ऐसे हो ही पूछता है। ठीक है छोड़ दो फिर आगे चलो। कौन सा नंबर था, पेज नंबर एक बार बता दो। छोड़ दो इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है लोगों को, तो आई थिंक क्विट कर लेते इसको। एक रैपिड फायर कर लें लास्ट 5 मिनट्स। ओके ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो भी अभी पढ़ा अपन ने, आस्क एनीथिंग रैंडमली, जो भी पूछना आपको पूछिए। यूरेनियम में कौन सा नंबर है ऑस्ट्रेलिया का? सेकंड नंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पहला कौन है? थर्ड है कजाकिस्तान पहले, फिर कनाडा, फिर ऑस्ट्रेलिया। और यूरेनियम किम्बरले प्लेट में फेमस है इसका, जो हमने देखा था ना नदन एरिया में, तो किम्बरले ये प्लेट बताओ वहां पे बास है। स्ट्रेट कहाँ पे है? बास स्ट्रेट तस्मानिया ये और तस्मानिया और कुछ मेनलैंड को डिवाइड करने वाला, पापुआ और टॉरेस स्ट्रेट न्यू के गिनी ऊपर। ऑस्ट्रेलिया को। तो इसको ऐसा रखो, टी मतलब टॉप होता है, तो टॉप पे टॉरेस है, बॉटम पे बास है। ठीक साउथ है, केप लिविन किधर है? वेस्ट पार्ट में ओके, किम्बरले प्लेट्यू वेस्ट में है कि अर्नहम लैंड वेस्ट में है? अर्नहम ईस्ट प्लेसमेंट में जो है, स्टेट करते हैं ना, ये वेस्ट ईस्ट आई डोंट थिंक ये इतना इम्पोर्टेंट है किम्बरले वेस्ट में, किम्बरले वेस्ट यार। में मैम मतलब है। मैप रीडिंग वैसे ही करी जाती है मेरे हिसाब से, थोड़ा सा मतलब आई एम नॉट सेइंग एक्यूरेटली याद रहना चाहिए। कहा जा रहा है? ओके अच्छा माउंट कॉसियस को किधर है? ये तो नीचे साउथ में है। हाँ साउथ ईस्ट बोल सकते एकदम, केप होवे है उसके नीचे, केप होवे। और कुछ पूछना है किसी को रैपिड फायर? न्यू कैलेडोनिया किसका है? फ्रांस का, फ्रांस का हो। फ्रांस का बोगेनविले किधर है? पापुआ न्यू गिनिया का ईस्ट में है। ओके बंडा सी किधर है, पैसिफिक में या फिर इंडियन ओशन में? इंडियन ओशन में है ना, पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर की तरफ है एंड पापुआ न्यू गिनिया की वेस्ट की तरफ है। कौन से नहीं, वो इंडोनेशिया में पढ़ते हैं बांदा सी को, ठीक है, इंडियन ओशन मतलब में है ना, इंडोनेशिया और फिलीपींस को सेपरेट करते हैं। तो कहाँ पैसिफिक नहीं में होगा नहीं क्या वो? अरे इंडोनेशिया फिलीपींस कहाँ आ गया है, तो ऊपर दिख रहा है इधर वेस्ट, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दिख रहा है ना, अराफुरा सी के वेस्ट तो में दिख रहा है उधर। उसके ऊपर वो भी तो लिखा हुआ है ना, देखिए इंडोनेशिया ही लिखा हुआ है उसके पास में। ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड फायर कहाँ थे? ये नीचे वाला एरिया आपने बताया था वो वाइल्ड फायर विक्टोरिया क्या? के एरिया में, हाँ विक्टोरिया, विक्टोरिया के आसपास आते हैं। ये इंडोनेशिया के नीचे है यार और तिमोर के ऊपर है, तो ये तो पैसिफिक का इलाका जाएगा ना। मैं सर्च कर ले रही हूँ। अच्छा एक चीज बताओ, क्या अराफुरा सी वेस्ट में है कि तिमोर सी वेस्ट में है? टाइम तिमोर और वेस्ट, वेस्ट में है। तिमोर है। अराफुरा ऊपर है ऑस्ट्रेलिया के, और तिमोर थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में पड़ जाता है, नॉर्थ वेस्ट में आ जाता है। अच्छा ये क्वेश्चन पूछे तो नहीं गए, क्या ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सिटी बताओ कौन सा है, सिडनी? सबसे बड़ा सिटी कौन सा है ऑस्ट्रेलिया? ठीक है मेलबर्न या सिडनी कैनबर्न? है, सिडनी। अच्छा सिडनी ओके हाँ इंपोर्टेंट पोर्ट भी है इनका, ऐसा डिमांड चल रहा था सिडनी को कैपिटल बनाओ, लेकिन कैपिटल वही है कैनबरा। नहीं, यूजुअली कैपिटल को वो पोर्ट्स पे रखने से क्या बोलते हैं,
रेजिलिएंट नहीं होगा ना, फ्लड्स वगैरह आते तो इंटीरियर में शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा एलिस स्प्रिंग किधर है? एलिस स्प्रिंग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर है कि नीचे है ये बताओ? एलिस स्प्रिंग, अरे छोड़ो चलो, लेक डिसअपॉइंटमेंट किधर है बताओ, ऊपर है कि नीचे है? नीचे हाँ बीच से पास करता है ट्रॉपिक सिमिलरली एलिस स्प्रिंग भी है ना, उसके बीच से आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और एक और सिटी दिख रहा है मेरे को, रॉकहैम्पटन। रॉकहैम्पटन छोड़ो। एक स्टेटमेंट बोलूंगा बताना ट्रेड कौन सा। ऑस्ट्रेलिया जो है वूल्स का 90% अकेला एक्सपोर्ट करता है, ट्रेड कौन सा? कौन सा? वूल्स, हाँ शीप का वूल। हाँ शिप फॉल्स का होगा, फॉल्स ब्रू होगा है, आई थिंक। 90% करता है ब्रू है ऑस्ट्रेलिया। ब्रू बॉम ब्रू है, शिप स्टेशन होते हैं यहाँ पे बड़े बड़े, डोमिनेट करता है ऑस्ट्रेलिया इस चीज में। वो डोमिनेट रीजन है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स वाला, सो दे हैव दिस मास्टर्स इन शिप थिंग, ध्यान रखना ये। अच्छा एक और स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है बताना। ऑस्ट्रेलिया इज द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स फॉल्स क्यों? जहां पे मैं रहता हूँ वहां से कुछ दूरी पे निजामाबाद बोल के है तेलंगाना में, इट इज 60% एक्सपोर्टर दुनिया का, वही से होता है, एक ही डिस्ट्रिक्ट से, टर्मरिक। ओके तो इंडिया कितना करता है फिर टर्मरिक एक्सपोर्ट? 60% इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पता नहीं। ओके मोर देन 80% करता है इंडिया, 80% का 60% तो वर्ल्ड एक ही टर्मरिक डिस्ट्रिक्ट इंडिया से। करता है। थैंक यू सर, निजामाबाद याद रखेंगे हम। वो लोग क्या करें, हमें स्पाइस बोर्ड क्या है, निजामाबाद में होना चाहिए, दिस वाज द डिमांड एंड दे टुक इट टू केरला। तो इसके अगेंस्ट, नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट 64 लोग फार्मर्स जाके क्या बोलते हैं, नॉमिनेशन डाले थे 2019 की इलेक्शन में। हाँ सर हो गया लगभग ना, हाँ क्या मियाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बस आगे चलते हैं। अब आपने मैपिंग करना है या PYQ? PYQ कर लो, इसको बंद कर देते। ठीक है चलो, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, काफी अच्छा सेशन रहा। मतलब आई वुड से दीज टू सेशंस, ऑस्ट्रेलिया वाले एंड प्रीवियस वाला सेशन, काफी ज्यादा लर्निंग रहा दोनों में। थैंक यू, करते हैं अपन ऐसे एक दो दिन में और पूरा खत्म कर देंगे इस तरीके से। रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ मैं। थैंक यू, एंड फॉर दोज हु आर वॉचिंग ऑन यूट्यूब, प्लीज लाइक शेयर आवर चैनल। थैंक्स।